हमलावर सपा नेता के दोनों बेटे गिरफ्तार, लाइसेंसी गन और खून से सना डंडा बरामद भेजा चे। नमस्कार, रवि साहू के साथ संवाददाता विजय दक्ष जाना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBI7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का आईना। बरेली बहेली में फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने सपा नेता के दोनों बेटे को गिरफ्तार किया। उनके पास से लाइसेंसी बंदूक, कारतूस और खून से सना डंडा बरामद करने के बाद भेजा जेल। दोनों पक्षों के 6 लोग हुए थे घायल। थाना क्षेत्र के गांव ठिरिया नथमल में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच संघर्ष हो गया था, जिसमें लाठी डंडों से हमले के साथ ही फायरिंग का भी आरोप लगा था। संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मौके से लाइसेंसी राइफल, कारतूस व डंडा बरामद करने की बात कही थी। मामले में पुलिस ने एक पक्ष के कुलवंत सिंह की तहरीर पर दूसरे पक्ष के सपा के जिला सचिव ठाकुर चंद्रपाल सिंह व उनके दो बेटों सुबेश सिंह व गौरव सिंह पर जानलेवा हमला करने, लाइसेंसी राइफल व डंडे लेकर सनसनी फैलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। सपा नेता का बरेली में चल रहा है इलाज। मामले में सपा नेता के दोनों सुपुत्र सुबेश सिंह व गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। वहीं सपा नेता ठाकुर चंद्रपाल सिंह भी इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुए। उनका बरेली में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। CO एवं ASP डॉक्टर तेजवीर सिंह ने गांव जाकर ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कोतवाल प्रवीण सोलंकी ने बताया कि सभी कानूनी प्रतिक्रिया पूरी करते हुए गांव में शांति व्यवस्था की इसके साथ ही गांव के माहौल पर लगातार निगाह रखी जा रही है, इससे असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर सकें।